तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मिमेंटो। स्वागत है आपका एक चिड़ी फाइव की फीडियो में। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पिछले वाला एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो हमने दो चीजें बहुत ज्यादा कमाल की करी है उस एपिसोड में। एक तो हमारा जो गोल था वो हम फैक्ट्री से लेकर के अपने घर पर आ गए हैं, और एक जो चैलेंजर अपने को गिफ्ट में मिली थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। और इस टाइम पर आप ये देख रहे हो कि मैं कैसी पुरानी सी लोकेशन पर आया हुआ हूँ। सामने पता नहीं क्या ड्रग्स का सामान पड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, लेस्टर के घर के नीचे गाइस ये कमाल का बेस था और लेस्टर खुद भूल गया था। और हम लोग लास्ट टाइम जब उस बंकर से आए, हमें एक लोकेशन चाहिए थी जिसपे हम लोग अपना गोल्ड छुपा सके, क्योंकि ये गोल्ड गाइस लीगल नहीं है, इलीगल गोल्ड है। और इलीगल क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ना ये जो है गोल्ड एक माइन से हमने चुराया, और वो माइन भी गाइस लीगल माइन नहीं थी। ये मतलब एक तरह से अगर पुलिस को पता चला, मिलिट्री को पता चला तो दिक्कत हो जाएगी, रेड अपने घर पर पड़ सकती है। तभी ना लेस्टर इस टाइम पर किसी बंदे से बातचीत कर रहा है, मतलब किसी कस्टमर को ढूंढ रहा है जो हमसे ये सारा गोल्ड एक ही बार में खरीद ले। और ये गोल्ड अराउंड 15 से 20 मिलियन डॉलर का तो होगा। मेरे को पता गाइस बहुत ज्यादा बड़ी रकम है, लेकिन कोई कस्टमर मिल जाए हम लोग उसको चिपका देंगे। और हाँ यार, एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये अपना केज है उसी अंडरग्राउंड बेस में। अगर अपना कोई दुश्मन है हम लोग उसको यहाँ पर ले आकर के टॉर्चर कर सकते हैं। एक तरह से एक टॉर्चर रूम ये वाला हो गया, और लेफ्ट साइड में वो थोड़ा सामान वगैरह छुपाने के लिए रूम हो गया। तो सही है, अब जल्दी से मैं पहले बाहर निकल जाता हूँ, कहीं मैं ही लोक हो जाऊँ। और चैलेंजर गाड़ी फ्रैंकलिन को मैंने चलाने के लिए दी थी, अब मेरे को नहीं पता वो घर पर आ गया है या अभी तक भाई उसको लेकर के बाहर घूम ही रहा है। और आधा घंटा तो हो गया उसको गए हुए अब तक तो। हाँ भाई, वो फ्रैंकलिन पहुँच गया है, और इससे ना चल करके एक बार पूछते हैं कि उसको गाड़ी कैसी लगी। और देख रहे हो गाइस, फ्रैंकलिन भाई तेरे को गाड़ी कैसी लगी पहले तो तू ये बता दे। और इस टाइम पर ये बोल तो रहा है कि गाड़ी ओपी है। और हाँ, इस टाइम पर हम लोग लेट हो रहे हैं, तो जल्दी आ भाई मेरे साथ बैठ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पर जिमी के पास। क्योंकि जिमी का मेरे को गाइस कॉल आया था सुबह, वो बोल रहा था कि डैड मेरे को तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अब यार मैंने उसको बोला कि ठीक है तो चिंता मत कर, मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ, और उसको ना चल करके एक सरप्राइज दिखाते हैं। मैंने उसको अभी तक बोला तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तेरे पास क्या लेकर के आ रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ मैं तेरे पास लेकर के आ रहा हूँ जिसको देख करके तेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और खुल जाना यार डोर। एक तो ना लेस्टर भाई पागल है, अब खोला उसने डोर जा करके। अब जल्दी से ना गाइस हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से थोड़ा बहुत भगा करके देखते हैं, और मैं सोच रहा हूँ ना इसको एयरपोर्ट पे लेकर के जाएंगे, वहाँ पर इसकी पूरी टेस्ट ड्राइव करेंगे। और हाँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है और कमाल की होने वाली है। अगर आप लोग वीडियो पर नहीं हो तो जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वाली जो वीडियो का लाइक है मैं पूरे 15,000 लाइक का है। तो गाइस लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि ना गाइस ये एपिसोड बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, 3 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो गाइस क्या करो, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब जल्दी से ना हम लोग अपनी डॉट चैलेंजर को यहाँ से लेकर के निकलते हैं। और फ्रैंकलिन को तो बढ़िया लगा है इसको ड्राइव करने में, और मैं भी इसको अब चला रहा हूँ, और देखते हैं एक बार इसकी टॉप स्पीड कितनी होने वाली है। जहाँ ना मैंने इसको लास्ट टाइम भगाया था, इसकी टॉप स्पीड आराम से 200 तक तो पहुँच ही रही थी। इस टाइम पर मैं इसको भगा करके देखता हूँ जो इसकी स्पीड है वो कितनी पहुँचने वाली है। और देख रहे हो इस टाइम पर इसकी स्पीड है 130 तक तो पहुँच गई है। और हट जाओ सबके सब, मेरे को ना कोई भी टक्कर नहीं चाहिए रास्ते में। और फिलहाल तो इसकी जो स्पीड है 200 किलोमीटर टच हो गई थी। और ड्रिफ्ट वगैरह मारने में भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और हम लोग ना इसको थोड़ा सा ना यहाँ से लेकर के चलते हैं, क्योंकि हाईवे है यार, हाईवे से हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया चलने वाली है। और आराम से इसको निकाल लेते हैं इधर से, बाकी अभी तक तो कोई भी टक्कर नहीं हुई है। और भगाता हूँ इसको, निकलता हूँ सीधा जिमी के पास। चलो यार, इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर के ना पहुंचने वाला हूँ सीधा जिमी के घर की लोकेशन की तरफ। और हाँ यार, उनका एक घर भी बीच के किनारे है। अब जल्दी से ना यहाँ से अपनी गाड़ी को मैं भगाता हूँ, और बाकी ना कुछ भी बोलो, अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा ओपी लग रही है। और आपको भी वही लगा क्या जो मेरे को लगा है? वो न जाने पता नहीं क्यों मेरे को जेस्को लग रही है, बिल्कुल सेम। तो अपने पास ऐसी जेस्को थी, सेम कलर, और शायद से मेरा वहम होगा, लेकिन वो गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड में कहाँ जा रही है। अपने को ना जल्दी से इसके पास पहुँच लेना चाहिए। और पता नहीं भाई मेरे को ही भले का पड़ रहा है कि क्या ही सीन है, जेस्को नहीं हो सकती। पूरे लॉस सैंटोस में एक ही तो जेस्को थी जो हमारे पास थी, और वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। एक बार ना इसको रुकने की ट्राई करता हूँ, और रुक जाना अबे, मैं इसको हॉर्न वगैरह अभी पूरे पूछ। अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्का सा स्क्रैच लग चुका है अपनी गाड़ी के ऊपर,
यार मैं इसको हॉर्न वगैरह तो मार रहा हूँ, लेकिन ये अपनी गाड़ी को लेकर के पता नहीं कहाँ ही जा रहा है, और मेरे को बिना इसका पीछा करना पड़ेगा। और यहाँ पर शायद से ये पार्किंग में रुक गया, नहीं इसको शायद से शक हो गया कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। देखो गाइस वो अपनी गाड़ी को भगा करके सीधा आगे की तरफ लेकर के जा चुका है। ये मेरे को ना पक्का चोर समझ रहा है, या तो सोच रहा है कि मैं चैलेंजर को लेकर के इसको चैलेंज देने के लिए आ रखा हूँ। और इस टाइम पर लेकिन ऐसा नहीं है, और मेरे को ना बस इसको जैसे तैसे रोकना होगा। रुक जाना है एक मिनट, तो रेस के मूड में है क्या? देख रहे हो गाइस ये पूरा रेस के मूड में है। अब पता नहीं भाई ये कब रुकेगा, और मेरे को भी ना इसको रोकना पड़ेगा किसी भी हालात में, क्योंकि ये जस्ट अब रुक गया भाई फाइनली। और एक मिनट ना इससे उतर के बातचीत करते हैं। अरे मैं तेरे से रेस, अरे रुक जा भाई, मैं उससे रेस लगाने बिल्कुल भी नहीं आया। देख रहे हो गाइस वो क्या बर्नआउट वगैरह मार करके मेरे को चिढ़ा करके भाग चुका है इधर से। अब मेरे को अपनी गाड़ी को लेकर के उसकी तरफ पहुंचना पड़ेगा, और जेस्को है इतना मेरे को कंफर्म तो हो चुका है। अब मेरे को नहीं पता चल रहा इसको जेस्को मिल कैसे गई है, वो पूरे लॉस सैंटोस में एक ही जेस्को थी और बिल्कुल सेम अपने जैसी जेस्को है। अब जल्दी से मेरे को यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर के चलना पड़ेगा। अरे भाई वो शायद से मेरे हाथ से निकल चुका है, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। और अब मेरे को कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल मैं उसके क्लोज था, लेकिन वो जो जेस्को बहुत ज़्यादा स्पीड में यहाँ से भगा करके जा चुका है। तो अब तो फ्रैंकलिन कह रहा है कि यार हमने जिमी को भी कॉल कर रखा है, पहले ना हम लोग उसके पास चल लेते हैं और बाद में हम लोग जेस्को को ढूंढ लेंगे। तो चलो यार अभी तो शायद से हमें जेस्को नहीं मिलने वाली, हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर के इधर से चलते हैं सीधा जिमी के पास। ओके तो गाइस इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुँच चुका हूँ सीधा अमेंडा के घर पर, और मेरे को ना सही में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उसके पास जाने में। कहीं अमेंडा ने मेरे को देख लिया तो ना आकर के थप्पड़ और लात मुक्के तो अलग ही बजा देगी। तो मैंने जिमी को कॉल पर बोल दिया था कि मैं आऊँगा और मैं हॉर्न मारूंगा तो बाहर आ जाना, और ये मार तो रहा हूँ मैं हॉर्न, शायद से वो पहचान मेरे को बिल्कुल भी नहीं पाएगा। और फाइनली गाइस इस टाइम पर जिमी आ जा भाई नीचे, और देख रहे हो ऊपर से ही वेव वगैरह मार रहा है, और अमेंडा एंट्रीसी से तो ये भी बहुत ज़्यादा डरता है। तो इसको ना गाइस आने देते हैं, और इसको ना हम लोग अपनी गाड़ी में थोड़ा बहुत घुमाने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है न्यू गाड़ी देख करके। और आ जा भाई कहीं तेरी मम्मी ना देख ले तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ठीक है इस टाइम पर आ तो चुका है, और इससे बातचीत करते हैं। और लो भाई मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, गाड़ी इसको ज़्यादा प्यारी है। तो ठीक है भाई तू पहले गाड़ी देख ले, और फ्रैंकलिन को मैं बोल देता हूँ फ्रैंकलिन तू ना थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट कर ले, और मैं जिमी को यहाँ पर घुमा करके ले आता हूँ। गाड़ी तो जिमी को बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, आप देख ही रहोगे यहाँ पर गाइस पूरा खुश हुआ पड़ा है। और फ्रैंकलिन को मैंने बोल दिया कि अगर अमेंडा दिखे तो गली से यहाँ से निकल लेना, क्योंकि अमेंडा गाइस ऊपर से जूते वगैरह फेंक करके भी मार सकती है। और इस टाइम पर अब जल्दी से ना गाइस मैं थोड़ा बहुत ना जीबी को ये गाड़ी में घुमाने वाला हूँ, और इसको थोड़ी बहुत हम लोग ऑफ रोडिंग भी करके देख लेते हैं। और मेरे को ना जेस्को भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही थी देखने में, बिल्कुल अपने ही जेस्को लग रही थी, लेकिन दिमाग में एक डाउट है, वो लॉस सैंटोस में बस अपने पास थी और बिल्कुल अपने पास से गायब हो गया है। तो चलो छोड़ो यार जेस्को को, अगर बाद में दिखेगी तो उसको जरूर से हम लोग पकड़ लेंगे। फिलहाल तो इस टाइम पर मैं जिमी को यहाँ अपनी गाड़ी में घुमाने के लिए लेकर के आया हूँ, और ये बोल रहा है कि डैड मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ क्या? तो मैंने इसे साफ साफ बोल दिया कि अभी कल ही तो मैंने इसको लिया है, और अगर तू आज ड्राइव करेगा कहीं भाई इसको ठोक उक मत देना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जिद करने लग गया है, तो एक काम करता हूँ ना मैं अपनी चैलेंजर को लेकर के यहाँ से पहले चलता हूँ सीधा एक खाली सी जगह पर, और मैं इसको लेकर के चलता हूँ गाइस एक सैंडी शोर्स के मेन विलेज पर, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो हम लोग क्या ही जाएंगे अगर अपने उस दुश्मन ने देख लिया तो। मेरे को लग रहा है लात उत मार के अपने को एयरपोर्ट से निकलवा देगा वो। तो एक काम करते हैं इस टाइम पर ना अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से भगाता हूँ, और जल्दी से पहुँचते हैं सीधा सैंडी शोर्स के विलेज में। और क्या ही कट मारा है, मज़ा ही आ गया कट मार के। और ठीक है यार इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी की जितनी भी जान है ना पूरी भगा करके लगाने वाला हूँ सैंडी शोर्स पहुँचने में, और फ्रैंकलिन तब तक बस आधे घंटा लगेगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी से जाएं और जल्दी से आएं अपनी गाड़ी को लेकर के, और ट्रिप तो मारती ओपी है। यहाँ से निकलते हैं गाइस जल्दी से, पहुँचते हैं सीधा एयरपोर्ट पर। आ गया हूँ मैं अपनी गाड़ी को लेकर के सैंडी शोर्स पर, और पहुँचने में कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, शॉर्टकट से आए तो अपने को बस आधा घंटा मुश्किल से लगा होगा। और यहाँ पर मैं जिमी को ना ये गाड़ी ड्राइव करने के लिए देने वाला हूँ, और मैं तो इसको खुद संभाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा इसके टायर स्लिप कर जा रहे हैं। ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है गाइस ये गाड़ी, अब ये मत बोलना है कि इसमें मॉडिफिकेशन करवाओ,
इसका कलर चेंज करवाओ, क्योंकि ना ये एक स्टॉक गाड़ी है, तो ये गाड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा सही लग रही है। अब जल्दी से मैं इसको ना यहाँ से पूरी स्पीड में एक बार भगाने वाला हूँ, और इसकी स्पीड देखते हैं कितनी इसकी स्पीड है। इस टाइम मैंने लॉस सैंटोस की सिटी में 200 तक तो टच करवा दी थी, देखो यार इस टाइम पर 180 की स्पीड से इसकी पहुँच गई है। और अब जल्दी से मैं यहाँ से इसको मोड़ करके वापस से भगाता हूँ। ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा बहुत तो चेंज करवाना पड़ेगा, और अब भगाते हैं गाइस, देखते हैं इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। 200 तो लॉस सैंटोस में आराम से लग गई थी, और इसको वापस से मैं यहाँ से भगा करके देखता हूँ 156। बाकी वो रोड का कुछ असर हो सकता है, यहाँ पर थोड़ी मिट्टी है ना, तो शायद से इसकी ग्रिप नहीं बन रही होगी। और लॉस सैंटोस की तो पूरी प्लेन सड़कें थी, वहाँ पर सही था। तो इस टाइम तो इस सड़कों पे 180 भाग गया, तो ले भाई जिमी अब तो इसको ड्राइव करके देख, और बस याद रखना ठोकना मत, मैं तेरे साथ ही बैठा हूँ। चलो भाई जल्दी से बैठ, तो इसके साथ में लेकिन यार ये अकेले ही लेकर के गया है, कह रहा है कि डैड मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को खुद चलाने दो। बात बड़े होने वाली नहीं है इस टाइम पर, ये गाड़ी को लेकर के देख रो बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं इस टाइम पर, हम लोग वेट कर सकते हैं इसके इधर वापस आने का, और देखते हैं यार कितने टाइम तक आने वाला ये, और मैं भी यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। मेरे को ना उसको ड्राइविंग आती है वो डर नहीं है, मेरे को वो डर है कि ये देखो इस बेचारे इस जानवर को ना मार दे वो, ले आकर के कहीं ड्रिफ्ट मारने के चक्कर में हीरो बनता बनता इसको उड़ा दे। और वो जिस ट्रैक से गया था उस ट्रैक से तो वापस नहीं आ रहा है, और वो लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है, पता नहीं भाई कहाँ पर आ रहा है, मेरे को तो दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा। तो फाइनली वो आ रहा है चैलेंजर को लेकर के, भाई 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 आराम से थोड़ा, ओ भाई इसने ड्रिफ्ट मार दिया जो मैं नहीं मार पाया। ठीक है इस टाइम पर इसने पूरी गाड़ी को घुमा दिया, देख रहे हो पूरी खतरनाक वाली ड्रिफ्ट वगैरह ये मार रहा है इस टाइम पर। और मेरे को भाई पागल है क्या, मेरे को उड़ा देता अभी। कभी कभी कुछ ज़्यादा ये सोचता है मैं हीरो बन गया हूँ। सही है अब रुक भी जाना यार, ये तो फिर इसको ड्राइव करने लग चुका है। और ओ भाई तुझे क्या तकलीफ हो गई है, मेरे कान के ऊपर आकर के चिल्लाने लग गया है। ठीक है जिमी तूने बहुत ज़्यादा बढ़िया इसको ड्राइव कर लिया, अब जल्दी से ना हम लोग वापस से चलते हैं, उतर जल्दी से उतर भाई, अपने को जल्दी से चलना पड़ेगा इस टाइम पर फ्रैंकलिन के पास। और पैट चुपचाप सामने आकर के मैं भगाने वाला हूँ गाड़ी को। गाड़ी तो जिमी को बहुत ज़्यादा मजा आया ड्राइव करके, और ये कह रहा है कि डैड तुम एक बार इसकी ड्रिफ्ट क्यों नहीं ट्राई करके देखते। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इसकी ड्रिफ्ट वगैरह मार करके देखते हैं। और ये गाड़ी ठीक है कुछ ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेगी यार। अरे नहीं 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 बस 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 रुक जाना, पता नहीं भाई जिमी ने इसकी ड्रिफ्ट कैसे मार ली, मेरे से तो बिल्कुल भी लगने पे नहीं आ रही है। मैंने ड्रिफ्ट मारी गाड़ी पूरी बाउंस होके कहीं और ही चली गई है, और यहाँ पर इस टाइम पर मैंने वापस से इसमें ड्रिफ्ट मारी है। नहीं यार ड्रिफ्ट वगैरह इस गाड़ी में मेरे से तो नहीं लग पा रही है, और बाकी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। चलो यार अब जल्दी से ना यहाँ से चलते हैं फ्रैंकलिन के पास, और फ्रैंकलिन का भी मेरे को कॉल आ रहा है बार बार, वो बोल रहा है कि तू कहाँ ही निकल गया इसको लेकर के। मैं बोल रहा हूँ बस मैं आ ही रहा हूँ वेस्पुची बीच पर, तो भगाते हैं अपनी गाड़ी को, चलते हैं सीधा बीच पर। चलो यार मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुँच तो गया हूँ उसी बीच के बहुत ज़्यादा किनारे, अब यहाँ से एक शॉर्टकट पड़ रहा था तो मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से भगा रहा हूँ, और जल्दी से चलते हैं। लेकिन क्या दिक्कत है तेरे को, तूने मेरे को क्यों रुकवा दिया यार, पागल है कहाँ। एक मिनट भाई ये तो जेस्को है ना, अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर पार्क करता हूँ, शायद से इसने जेस्को को देख लिया, ये कह रहा है कि ब्रेक मारो। और ये विस्टर डेल मार पता नहीं कौन सी जगह है, शायद से ये होटल लग रहा है मेरे को कोई, और ये अपनी जेस्को नहीं है, लेकिन लग तो पूरी सेम अपनी जेस्को रही है, एक एक चीज़ अपनी तरह लग रही है बिल्कुल। अपनी 251 भी लिखा था स्पॉइलर पे, और नंबर प्लेट पे लिखा था इनसेन, लेकिन ये है विदाउट नंबर प्लेट, मतलब बंदे ने शायद से इसको कल ही परचेज करा है। तो एक काम कर जिमी, पहले ना तू घर चल भाई, मैं नहीं चाह रहा कि अगर तेरे को कोई चोट वगैरह लग जाए, और अमेंडा तो मेरे पूरे ना सर के ऊपर चढ़ करके मुक्के बजा देगी। अब जल्दी से मैं चलता हूँ इसको लेकर के इसके घर पर, और फ्रैंकलिन को वापस लेकर के आते हैं। और मिट्टी पर हमने अपनी चैलेंजर को भगाया, और इसकी देख रहे हो क्या ही हालत हो गई है। अब जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को इधर से लेकर के चलता हूँ उस बीच पर, और जिमी को ड्रॉप करते हैं, फ्रैंकलिन को उठा करके वापस इसी लोकेशन पर आते हैं। और ये एरिया शहर से निकल जाएगा ना उसी लोकेशन तक। हाँ, अब ये भी देख रहे होंगे कि भाई ये बंदा कौन है, अपनी गाड़ी को लेकर के सीधा बीच के ऊपर ही लेकर के आ गया है। और ये रास्ता बहुत ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को, यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर के सीधा चलते हैं उसी लोकेशन पर। चलो यार फाइनली मैं उस रास्ते से अपनी गाड़ी को लेकर के तो आ चुका हूँ, और वो लोकेशन सामने की तरफ ही लोकेशन है, फ्रैंकलिन भी खड़ा हुआ है। और यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं, और यहीं से कर लेते हैं साइलेंट तरीके से रिवर्स, और ठीक है अब जा सकता है जिमी तू अंदर। और चल भाई फ्रैंकलिन मेरे को तेरे, अबे मैं उसको बोल दूँ मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, चल भाई फ्रैंकलिन अब जल्दी से तेरे को जेस्को को दिखाता हूँ मैं।
चलो यार, जिमी तो अपने को इस टाइम पर टाटा बाय बाय कह रहा है और हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं सीधा उस चेस्को के लिए। और तू बैठ भाई, तू जल्दी से बैठ गाड़ी में। ये भी उसका कुछ ज़्यादा ही बेस्ट फ्रेंड है ना, आपको पता होगा ये दोनों साथ ही घूमा करते थे और इनको दोनों को ही गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है। वो भी बाय कर रहा है, ये भी उसको बाय कर रहा है। मैं इसको कह रहा हूँ कि तू अंदर जा, लेकिन वो मेरे को देख ही नहीं रहा है जिमी। और मैं इसको कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ बैठ, ये कह रहा है जिमी चल बाय। भाई पागल है, दोनों ढक्कन है। अब जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से भगाता हूँ। उसी कॉलोनी में पहुँचते हैं। वो जो कॉलोनी का नाम विस्टा करके कुछ था ना, मेरे को इतना नहीं पता है, लेकिन जिसकी भी गाड़ी है वो, अगर उसी बंदे की जैसे कोई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो गाड़ी अपनी निकली तो मैं बंदे को ना बजा दूंगा बहुत ज़्यादा गंदे वाला। एक तो बैनी को मैं सबसे पहले पकड़ के बजाने वाला हूँ, क्योंकि ना सारा शक मेरा बैनी के ऊपर ही जाएगा। तो देखते हैं एक बार उस बंदे से बातचीत करके। अब चलते हैं सीधा उसी कॉलोनी में और मैं पहुँच तो गया हूँ शायद से। हाँ, उसी जगह पर हूँ मैं। बिल्कुल अपने को ना यहाँ से लेफ्ट की तरफ अपनी गाड़ी को टर्न करना है और सामने की तरफ वही लोग, हाँ भाई वही जगह पर हम लोग पहुँच गए हैं और यही वो एरिया है। अपनी गाड़ी को हम लोग ले करके ना यहाँ पर चलते हैं और खड़ा दे तुम्हारे भाई ने अपनी गाड़ी को और आ जाओ भाई फ्रैंकिन दे। इस टाइम पर मेरी बात सुन ले पहले, लड़ना अपने को उससे बिल्कुल भी नहीं है, बस उससे हमें इंफॉर्मेशन वगैरह पूछनी है थोड़ी बहुत। तो ठीक है, अब हम लोग ना यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं, पूरा शोर मचाने वाले हैं। मैं इसकी गाड़ी के ऊपर चल करके खड़े होने वाला हूँ और यहाँ पर फ्रैंकलिन तो डांस कर इसकी गाड़ी के ऊपर खड़े हो करके, और हम लोग तोड़ फोड़ नहीं मचा सकते ना। आ जा भाई ऊपर, मैं तो क्या ही डांस करूँ, तू ही डांस कर। और हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर उसकी नज़र इनमें से अपने ऊपर पड़ेगी तो वो पक्का गाइस बाहर की तरफ तो आएगा ही अपने को देखने के लिए, रोकने के लिए। और फ्रैंकलिन यहाँ पर पूरा लग चुका है गाइस डांस करने के लिए। फ्रैंकलिन तो यहाँ पर पूरा मौज से डांस वगैरह कर रहा है और अभी तक तो वो बंदा नहीं आया, लेकिन ये कौन आ गया इधर। ओ भाई, मेरे को लग रहा है कि जो जेस्को है इसी की जेस्को है, और ये कह रहा है फ्रैंकलिन को कि तू कौन है, जल्दी से बंदर से मेरी गाड़ी से उतर। और ये कौन से एक्शन मार रहा है भाई, तू गला वगैरह काटने के। और देख रहे हो गाइस, फ्रैंकलिन कह रहा है कि तेरा ना मैं गला काट के रख दूंगा, मेरे को मत कर भाई, मैं सही में ना ऐसा मुक्का मारूंगा, तेरी टोपी अलग जाएगी, तू अलग जाएगा, और ये जो पैरों में चप्पल डाल रखे है ना जेस्को के कलर की, ये अलग जाएंगी। और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। पहले तो मेरी बात सुन, ये जेस्को है किसकी और तूने कब खरीदी है ये बता। पागल है यार, एक नंबर का ये बंदा। इससे मैं पूछ रहा हूँ कि चुपचाप बता दे। और यहाँ पर देख रहे हो, ये धमकी दे रहा है कि मैं तेरे को हरा दूंगा, पूरा चैंपियन रह चुका हूँ मैं बॉक्सिंग में। और यहाँ पर वही गंदा सा मेरे को एक्शन करके दिखा रहा था, निकलना इधर से भाई। अभी वो भाई मेरी ग्लासेस वगैरह इसने गिरा दी हैं और कुछ ज़्यादा नहीं छोड़ में है ये बंदा। अभी मैं गन निकालूँ, गन यार मैं घर पर छोड़ के आया हूँ सारी गन। बंदे में जान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा इस टाइम पर। जितना मर्जी होगा तो पुराना बॉक्सर होगा, चैम्पियन होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा मेरे को हराना आसान नहीं है। मैं सही में गंदा बेहोश कर दूंगा एक पिस्टल बजा करके। आ जा, ओ भाई बेहोश सही में हो गया, मैं सोच रहा था कि मेरा पीछा करेगा, लेकिन ओ भाई फिर से उठ गया। लेकिन इस टाइम पर ना मैं तेरे को ना बहुत गंदा बजा दूंगा, इसको ना थोड़ा पीछे लेकर के चलते हैं और उसके बाद ना मैं इसको ऐसा मार करके बेहोश करूंगा ना, ये भी याद रखेगा। नहीं 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 नहीं, ये मेरे को ना बेहोश कर दे। और देख रहे हो धक्के में तुम्हारे भाई ने इसको गिरा दिया है, इसका मतलब ये जो छोटे से पहलवान में जान वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब छू के भी दिखा दे, मैं तेरे को मान जाऊंगा। अब जल्दी से ना गाइस ब्लॉक करते, रख के बजाते हैं इसके मुंह पे। ठीक है, इसको तुम्हारे भाई ने बेहोश कर दिया है। अब इतना ही नहीं यार, अब चुपचाप उठ जा, अभी ना मैं तेरे रख करके ऐसा बजा दूंगा ना मुक्का, तू भी याद रखेगा। अब मत लड़, तू हरा तो नहीं पाएगा भाई, मैं कह रहा हूँ सही में। अब देख रहे हो गाइस ये कहाँ जा करके भाग रहा है। एक मिनट, ये रुक जा, अपनी जेस्को में कहाँ बैठ रहा है, मैं तेरे को नहीं इतनी आसानी से जाने दूंगा भाई। यार मैं इसने डोर ही लॉक कर रखा है, मैं इसको भाई पागल है यार एक बंदा ये। मैं इसका डोर खोल रहा हूँ लेकिन इसने बिल्कुल भी लॉक कर रखा था, डोर अनलॉक नहीं रखा था। अब जल्दी से एक काम करता हूँ, इसके पीछे चलता हूँ अपनी गाड़ी लेकर के, और न जाने यार ये पता नहीं कहाँ भाग गया। इस टाइम पर फ्रैंकलिन तो मेरे साथ बैठ चुका है गाड़ी में और अब जल्दी से ना चलता हूँ। फू रही उसकी जेस्को, ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा पाएगी। एक तो ना उसका जो पैरेट ग्रीन कलर है ना गाड़ी का, दूर से वही हाईलाइट हो जा रहा है। अब अपनी गाड़ी को लेकर के चलता हूँ उसके बिल्कुल जस्ट पीछे, और इसका मैं बिल्कुल बिना गाइस भागने यहाँ से नहीं देने वाला। अपनी जेस्को है, मेरे को इतना 100% कन्फर्म तो हो चुका है, लेकिन इसके पीछे पक्का बैनी का हाथ है, इतना मेरे को अभी तक तो कन्फर्म नहीं है। लेकिन इसी से वही तो मैं पूछने जा रहा हूँ, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि तूने गाड़ी कब ली है बता दे, कह रहा है कि मैं क्यों बताऊँ। और देख रहे हो इस टाइम ये फंस चुका है, मैं टक्कर नहीं मारना, रुक जाना यार भाई तू पागल है सही में यार। अब ओ भाई, साइकिल वाले को इसने टक्कर मारी थी और वो राइट में गिर गया, और ये दूसरा साइकिल वाला था यार, बहुत ज़्यादा डर चुका है ये मेरे मुक्कों से ही।
कह रहा था मैं बहुत ज्यादा बड़े वाला चैंपियन हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इसके जस्ट पीछे ही हूँ। और यहाँ पर देख रहे हो यार, ये ड्रिफ्ट मार रहा है, मैं भी इसको ड्रिफ्ट मार के इसके पीछे ही हूँ, लेकिन ना ये बंदा रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। ये तो ना क्या ही पागल बंदा है, अगर मेरे अब हाथ रुक गया ये लग करके तो मैं इसको ना सही में पिस्टल वगैरह बजा दूंगा, लेकिन पिस्टल होनी भी तो चाहिए मेरे पे। रुक जा भाई, इस टाइम पर ये रुक गया। हाँ भाई, ये रुक चुका, लेकिन नहीं, इसने अपनी गाड़ी को चम करा के ऊपर की तरफ ही चढ़ा लिया है और आगे हट जाना है, तू अलग ही टक्कर मार दे बीच में। और यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बंदा भाग तो रहा अपनी गाड़ी को लेकर के, लेकिन अब तो बेटा तो फंस चुका है, अब मेरी भी गाड़ी जस्ट तेरे पीछे। अब रुक जा, कोई भी फायदा नहीं है भाग करके। अब मैं उतरता हूँ गाड़ी से और अब तो उतर जा। हाँ, अब तो तू डर ही चुका है ना, अब चुपचाप से बता दे कि मैकेनिक कौन सा था, नहीं तो तेरे को गंदे वाला मैं मार दूंगा। और गाइस, इसको मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी से ना मैकेनिक के पास लेकर के चल, और तू आगे आगे चल गाड़ी लेकर के, मैं जस्ट तेरे पीछे भी दे चलूंगा। चल ठीक है, अब जल्दी से बैठ करके निकल इधर से, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा मैं इसको मारूंगा। और ये शायद से मेरे को लग रहा है भागना, वैसे भागेगा नहीं, इसको मैं इतना गंदा बजा दूंगा ना, अभी तो मैंने इसको छोड़ दिया, इसकी जैस्को के समेत ही मैं इसको उड़ा दूंगा। और चल यहाँ से रास्ता ढक्कन है, गया रास्ता बंद है उधर, अब पीछे से अपने को चलना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग भी अपनी गाड़ी को लेकर के चलते हैं पीछे पीछे जस्ट इसके, और इसको ना भागने बिल्कुल भी नहीं देना। वैसे नहीं भागेगा जहाँ तक मेरे को लग ही रहा है, क्योंकि ना इसको पता चल गया कि मैं कितना ज़्यादा डेंजर बनता हूँ, क्योंकि मैं इसका पीछा करते करते जहाँ जहाँ ये जा रहा था वहाँ वहाँ तक पहुँच गया हूँ, और इसको तो अंदाजा हो ही गया होगा कितना ज़्यादा खतरनाक ही बनता हूँ। और इस टाइम पर पूरा डरा हुआ है, भागने की ट्राई मत करना, मैं हॉर्न मार के इसको बता देता हूँ एक दो बार। तो यार ये ना अपनी गाड़ी को लेकर के मेरे को वैनी के शोरूम तक लेकर के पहुँच चुका है, और इस टाइम तो मेरे को 100% शक हो चुका है कि वैनी ने मेरे साथ कर दिया है स्कैम, वो भी तगड़े वाला। और अब ये देखना होगा कि वैनी, ओ भाई बैनी शोरूम पर ही है, और देख रहे हो ये बैनी के पास जा करके हाथ वगैरह खड़े करने लग चुका है। अब भी अगर मैं उतरा तो ये लोग मेरे से डर जाएंगे, पक्का बोल दे रहा हूँ। और बैनी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखा है कि ये सीन हो क्या रहा है और उतरूं क्या। चलो यार अब जल्दी से मेरी बारी आ चुकी है उतरने की, और ये बैनी, हाँ भाई अब ये भागेगा, मेरे को पता चल ही गया था इसने, क्योंकि स्कैम जो मेरे साथ कर रहा है, देख रहे हो कैसे स्किट वगैरह मार करके भागता जा रहा है इस टाइम पर। ये है तो अपना दोस्त, लेकिन ना मैं इसको बिल्कुल भी सोच रहा हूँ कि ना ही छोड़ूं तो सही है। और इसके पीछे मैं पहुँच तो गया हूँ, देखते हैं कहाँ कहाँ। चल इधर से, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रखा था, एक मिनट मेरी बात सुन, फंस चुका है तो इधर पूरा, अब तू ना कहीं भी नहीं जा सकता। इसने जो मेरे साथ गंदे वाला स्कैम करा था, अब देख रही है पूरा पछता रहा है, और इस टाइम पर ये भागता जा रहा है, और देख रहे हो यार आगे पीछे पूरा भागता ही जा रहा है। और जितना भी तू भागेगा बहनी, मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगा, मैं तेरे को ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और क्या मिला तेरे को, मेरे साथ स्कैम करके मेरी जैस को रिपेयर करके किसी और को महंगे में इसने सेल कर दिया, पक्का कुछ ऐसा ही करा है। और मेरे को कह रहा था कि तेरी जैस को बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकती है। और देख रहे हो ये कहाँ, नहीं भाई नीचे खाई थी तो ये बिल्कुल भी भागा नहीं, और मैं ना इसको छोड़ने नहीं वाला बिल्कुल भी, वेपन नहीं है यार मेरे पास। और भाई उसने जंप कर दिया नीचे की साइड, और मैंने भी नीचे की साइड जंप कर दिया है, और इसका ना पीछा करता हूँ जल्दी से। और भाग रहा है, ये स्टेयर्स चढ़ चुका है यार ऊपर, गलती हो गई मेरे से, इसको अभी पकड़ लेना था, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। और तू क्या इधर स्मोकिंग कर रहा है, इधर से अब चलता हूँ सीधा ऊपर की साइड। और अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा बैनी, तू कहाँ नहीं बच सकता भाई, मैं तेरे को अभी भी कह दे रहा हूँ। देख रो गाइस, क्या पार्कोर खेल रहा है कि क्या चल रहा है इधर, GTA की पार्कोर की कोई गेम है, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है। और भाई भाई क्या भागने में कितना तेज है, पेट से बेशक मोटा है लेकिन भागता बहुत ज़्यादा खतरनाक है बैनी। मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई, और ये किसी मैकेनिक, भाई ये किस मैकेनिक की शॉप पर घुस गया है मेरे को लेकर के, और ये चढ़ गया बिल्कुल ऊपर की तरफ। और आ जाना बैनी, मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला इस टाइम पे। यार वो नीचे जंप कर चुका है, मेरे को भी ना इधर से सीधा नीचे की तरफ जंप कर लेना चाहिए, और मैं वापस से ऊपर क्यों चढ़ गया हूँ मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। और शेड खुला हुआ है, इसका मतलब बैनी सीधा बाहर जा चुका है। अब चलता हूँ सीधा बाहर की साइड, और ओ भाई पागल है, इसने मेरे बैट बजा दिया है। और इस टाइम पर देख रहा गाइस, ये मेरे क्या गंदे वाला बैट बजा रहा है, इसने मेरे को बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। और अब तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और आ जा बेटा अब तो देखा जाएगा जो भी होगा, और निकल इधर से। नहीं नहीं नहीं, मेरे बैट बहुत ज़्यादा गंदा बजा रहा है यार ये इस टाइम पे, यार इसने मेरे को बैट बजा करके गिरा दिया है। और इस टाइम ओ भाई फाइनली फ्रैंकलिन आ चुका है, ओ भाई साहब फ्रैंकलिन ने इसको टक्कर मार के गिरा दिया पूरा। और देख रहे हो गाइस इस टाइम पर फ्रैंकलिन कह रहा है कि बैनी
ऐसा निकलेगा मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। और हाँ, पहले तो मैं इसका बैट उठा लेता हूँ, और बैट अपने पास आ चुका है। और तुम लोग क्या सर्कस चल रहा है इधर कोई, और तू चल इधर से, भाग जाओ अभी भी, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। नहीं, उन्होंने लड़ना है, और तू तो बहुत ज़्यादा गंदा पिटेगा गंजे। तेरे को तो मैंने इस टाइम पर एक बचा दिया, दूसरे वाले के भी बचा दिया। यहाँ पर देख रहे हो, फ्रैंकलिन बिना तालियां वगैरह मार रहा है कि बैनी ऐसा निकलेगा हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। फ्रैंकलिन थोड़ा सा पीछे हो जाए एक मिनट के लिए, बस थोड़ा सा पीछे हो जाए, ज़्यादा तेरे को पीछे होने के लिए नहीं कह रहा। हाँ, अब सही है, अब ना मैं इसकी थोड़ी बहुत सेवा कर देता हूँ। कुछ ज़्यादा इसने मेरे बैट बजा दिए थे, और लॉस सैंटोस कस्टम्स में घुस गया था। और उठ बेटा, अब तेरे को हो क्या गया इस टाइम पर? और मेरा भाई पूरा सही में इसने ना दिमाग खराब कर दिया। मेरे पास इस टाइम पर कोई गन होती, अभी के अभी मैं ना पूरी रिवॉल्वर इसके अंदर घुसा देता। लेकिन फ्रैंकलिन कह रहा है कि मार करके इसको फायदा नहीं है, इसने अपने साथ जो काम करा है यार, अपने साथ इसने साथ भी अपना बहुत ज़्यादा दिया है। एक काम कर फ्रैंकलिन, तो इसको उठा ले पहले, इसको रख चैलेंजर में, हम लोग इसको लेकर के चलते हैं सीधा लेस्टर के पास, और लेस्टर से चल करके बातचीत करते हैं, और वही जो कहेगा वो हम लोग करेंगे। और इसको उठाता है जब तक फ्रैंकलिन, तब तक ना मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे कर लेता हूँ। चल भाई, इसको उठा ले। चलो यार, फ्रैंकलिन ने इसको उठा करके ना डिक्की के अंदर तो डाल दिया, लेकिन ये थोड़ा मोटा है तो डिक्की बिल्कुल भी बंद नहीं हो पाई है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने को ना आराम से अपनी डॉज को इस टाइम पर ड्राइव करके इसको लेकर के यहाँ से निकलना पड़ेगा। और अरे यार, मैं बंद गली में क्यों आ गया हूँ इसको लेकर के? और इसने अपने साथ स्कैम करा है यार, अपने को इसके ऊपर शक था, लेकिन आज अपने को पूरा प्रूफ भी मिल गया है। और फ्रैंकलिन कह रहा है कि वो जो जेस्को वाला था ना, मैंने उसको पीट करके अकेला भगा दिया, जेस्को अभी भी शोरूम के अंदर ही खड़ी है, तो उसको खड़े रहने देते हैं, हम लोग उसको बाद में देखेंगे जैसा भी होगा। अब जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ से मैं लेकर के चलता हूँ सीधा लेस्टर के घर पे। चलो यार, फाइनली मैं बैनी को लेकर के पहुंच चुका हूँ सीधा लेस्टर के घर पे। और ना लेस्टर का क्या रिएक्शन होने वाला है कि हम लोग इसको उठा करके घर पर ही लेकर के आ चुके हैं। अब लेस्टर ने अपने को मना करा था इससे फाइट करने में, लेकिन आज तो ये रंगे हाथों पकड़ा गया, तो आपके सामने है गाइस जो भी है। अब इसको ना सीधा आगे वाले, अरे सॉरी 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 सर, टक्कर तो नहीं लगी है ना भाई? यार उसको टक्कर लग गई थी, वो अब जा करके गिरा है। और इसको लेकर के हम लोग चलते हैं सीधा बेसमेंट में, और इसको उठाते हैं। फ्रैंकलिन एक काम कर, इसको उठा, नहीं तो यार ये मेरे से मर जाएगा सही में। और इसको उठा करके ना चुपचाप से नीचे ले आ। और लेस्टर को अभी तक हमने नहीं बताया कि हम लोग बैनी को घर पर लेकर के आ रहे हैं। टॉर्चर रूम गाइस अब अपने काम आने वाला है। मैं अभी आपको टॉर्चर रूम दिखा करके लेकर के गया था ना, लेकिन अपने को बंदा मिल गया जिसको हमने टॉर्चर रूम में डालना है। और ये रहा लेस्टर, इससे चल के सब कुछ बातचीत करते हैं। सुन भाई लेस्टर, हम लोग बैनी को लेकर के आए हैं, उसने कुछ ज्यादा गंदा कांड कर दिया अपने साथ। जो बैनी था उसको हमने ना उठा करके केज में तो बंद कर दिया है। और लेस्टर आ जा यार, एक बार मैं तेरे को भी दिखा देता हूँ। और फ्रैंकलिन ने उसको उठा करके उस केज के अंदर बंद कर दिया है, और वो ना अभी बेहोश है क्योंकि उसके गाइस बहुत ज्यादा बैट पड़े हुए हैं। और ये लॉक है ना, अरे इसको लॉक कर दे भाई, फ्रैंकलिन पागल है क्या? अभी वो निकल के भाग जाएगा इधर से, तो इसको लॉक कर। और लेस्टर कह तो रहा है यार, तुमने कुछ ज़्यादा गलत कर दिया इसके साथ, जिसने अपने साथ सारा काम करा था, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन नहीं यार, इसने अपनी जेस्को के साथ स्कैम करा है, और इस टाइम पर बेचारा बेहोश हुआ पड़ा है। लेकिन ना इसको बहुत ज़्यादा मैं मारने वाला था, लेकिन इस टाइम ना इसको मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। देखो गाइस, वो रहा बैनी, पूरा बेहोश हुआ पड़ा है, और लेस्टर बोल रहा है कि यार तुमने एक टाइप से गलत काम कर दिया, क्योंकि ये जो बंदा है इसने अपना इतना ज़्यादा साथ दिया है, लेकिन आखिरी टाइम पर ये स्कैम कर गया। शुक्र करो माइकल, तुमने इसको नहीं मारा। मेरे पास गाइस अगर वेपन होते तो मैं इसको कब का बजा देता। मैं बिल्कुल भी सोच ही रहा था कि इसको मैं बजा दूं, लेकिन तब भी मैंने छोड़ दिया। मैं सोच रहा था कि पहले लेस्टर के पास ले आ करके ना एक बार कंफर्म वगैरह कर लेते हैं। और लेस्टर कह रहा है कि नहीं, इसको हम लोग नहीं मारने वाले, क्योंकि इसकी वाइफ है, और इसका शोरूम कौन देखेगा भाई? इसका जो चीफ है फ्रेंड, वो भी अकेला रह जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। और हम लोग इससे ना जब होश में आएगा तो पूछेंगे, तूने ऐसा काम क्यों करा है? तेरे को क्या कमी पड़ रही थी भाई पैसों की, कि क्या दिक्कत थी? तू जल्दी से हमें सब कुछ बता दे। तो एक काम करते हैं, जब इसको होश आएगा उसके बाद देखते हैं ये क्या बोलता उठ के। तब तक ना हम लोग वेट कर सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं कर सकते। पूरे 2 घंटे बाद बैनी को होश आ गया था, और मैं और लेस्टर से यही पूछ रहे हैं कि तूने हमारे साथ ऐसा स्कैम करने की भी ट्राई क्यों करी, तेरे को क्या दिक्कत थी? तो ये बोल रहा है कि तुम मेरे को ना तुम्हारे से भी ज़्यादा पैसा कोई दे रहा था, मेरे को प्रॉफिट हो गया था, और मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे ज़्यादा शोरूम का काम कर रहा था।
तो यही सब सीन था, और ये बोल रहा है कि तुमने मेरे को मारना है तो तुम मार सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ धोखा करा है। लेकिन लेस्टर कह रहा है कि हम लोग तेरे को नहीं मारेंगे। लेकिन यार ये हमारे साथ इतना बढ़िया काम करा ना इसने गाइस, हम लोग इसको कैसे मार सकते हैं मेरे को बस ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मारना नहीं है यार इसको, इसकी वाइफ का ध्यान कौन रखेगा, और बाकी इसका शोरूम भी है भाई, वो सब कुछ कौन संभालेगा, लेस्टर ने मेरे को समझा दिया है। और छोड़ देते हैं गाइस इसको, हम लोग क्या ही मारें, इसने पैसे के लिए करा है अपने से झूठ, इसने तभी बोला इसको पैसा चाहिए था, भाई क्या ही बोलूँ अब मैं। इस टाइम पर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने रेसिंग वाली आउटफिट क्यों डाल ली है, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बैनी को मैं सोच रहा हूँ कि मार डालूँ, लेकिन लेस्टर उसको मारने नहीं दे रहा है। लेस्टर बोल रहा है कि पूरे लॉस सैंटोस में ये ऐसा एक मैकेनिक है जो सारी गाड़ियों को मॉडिफाई कर सकता है, और आपको पता ही है इसकी मॉडिफिकेशन कितनी ज़्यादा तगड़ी है। और लेस्टर कह रहा है कि अपने लिए तो ये डिस्काउंट में काम भी करता है, लेकिन लॉस सैंटोस में यही एक ऐसा मैकेनिक है जो ये सारी मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सकता है, और ये सारा काम इसके बाएं हाथ का खेल है। और लेस्टर तो यही बोल रहा है कि इसने जो भी करा अपनी फैमिली के लिए करा, मतलब जो कि इसकी वाइफ है उसके लिए करा है, हम लोग माइकल इसको ऐसे नहीं मार सकते। और बैनी गाइज उसको ये सब नहीं पता कि हम लोग उसको नहीं मारने वाले, लेकिन थोड़ा मजा तो लेना जरूरी है ना। और मैंने फ्रैंकलिन को बोल दिया कि तू बैनी को उठा सीधा यहां से ना, इसकी जेस को उठा करके निकल इधर से, और मैं भी अपनी चैलेंजर को लेकर के चलता हूं सीधा, इसको पहले वॉश वगैरह करवाने के लिए। और रेसिंग वाली आउटफिट डाली है तो आप समझ ही गए होंगे, हम लोग करने वाले हैं बैनी के साथ 1v1 रेस। और मैंने ना बैनी से पूरा पूछा कि अगर तू रेस में हार जाएगा तो मैं तेरे को मार दूंगा, अब तू बता दे कि रेस हमें कहां पर करनी है। और उसको कोई ट्रैक मालूम है तो कह तो रहा था कि मेरे को थोड़ा बहुत ट्रैक के बारे में पता है उस लोकेशन के। चलो गाइस यहां पर अपनी दोनों गाड़ियां रेडी हो चुकी हैं, और मैंने फ्रैंकलिन को बोल दिया कि तू ना जेस को लेकर के ना सीधा ट्रेवर के एयरपोर्ट तक पहुंच, और वहां से हम लोग ना कंटेनर में लोड करवा करके अपनी गाड़ियां लेकर के निकलेंगे, और तब तक मैं जाता हूं इसको थोड़ा बहुत वॉश करवा लेता हूं। आज होने वाली है 1v1 बैनी वर्सेस माइकल की फाइट, और मैंने बैनी को ये बोल रखा है अगर तू उस रेस में हारा तो मैं तेरे को खत्म कर दूंगा इस लॉस सैंटोस की दुनिया से। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करने वाले, अगर वो हार भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेस्टर ने बोला है हम लोग उसको नहीं मारेंगे तो नहीं मारेंगे। अब जल्दी से ना अपनी मैं गाड़ी को भगा करके सीधा चलता हूँ किसी भी एक शॉप पर जो इसको धो देंगे अच्छे तरीके से अपनी चैलेंजर को। चलो यार इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुंच चुका हूं सीधा कार वॉश पर, और सामने की तरफ आपको नजर आ ही गया होगा। अब जल्दी से चलते हैं अपनी गाड़ी को वॉश वगैरह करवाते हैं और रेस के लिए निकलते हैं इधर से। और फाइनली तुम्हारे भाई ने यहां पर पूरी अपनी कार वॉश तो करवा लिया है, और देख रहे हो पूरी चमचमा गई अपनी गाड़ी, जीतने के लिए पूरी रेडी है। और फ्रैंकलिन का भी मेरे को कॉल आ गया था, फ्रैंकलिन कह रहा है कि मैं ट्रेवर के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूं, वहां पर एक चॉपर भी खड़ा है, कंटेनर भी है, सब जुगाड़ लेस्टर ने पहले ही करवा दिया था। और बैनी पूरा घबराया हुआ है, कह रहा है कि माइकल रेसर है, उससे मैं कैसे जीत सकता हूं। फ्रैंकलिन यार हम दोनों भाग लेते हैं मिल करके, मैं तेरे को पैसे भी दूंगा। लेकिन देख रहे यार बैनी पूरा डरा हुआ है, बच्चा है यार वो अपने सामने, हम लोग उसको क्या ही मारें, उसको हम लोग छोड़ देंगे, बस उससे थोड़े बहुत मजे ले रहे हैं। तो जल्दी से ना अपनी गाड़ी को मैं भगाता हूं, चलता हूं। चलो गाइस फाइनली इस टाइम पर मैं अपनी चैलेंजर को लेकर के पहुंच चुका हूं सीधा उस एयरपोर्ट के बहुत ज्यादा क्लोज, और बाकी लेस्टर ने यहां पर पूरा जुगाड़ वगैरह तो करवा ही दिया है। और देख रहे हो गाइस ये है वो चॉपर जो अपने को उस आइलैंड तक लेकर के जाएगा जो बैनी बोल रहा है, और अगर बैनी ने झूठ बोला होगा अगर वहां पर कोई आइलैंड नहीं होगा तो हम लोग रास्ते में इसको बजा देंगे। और ये है जेस्को जो अपनी हुआ करती थी, फिलहाल तो अपनी जेस्को नहीं है। तो ठीक है यार तू जल्दी से ना ये जेस्को को लेकर के इस कंटेनर में डाल दे, मैं भी उसको लेकर के इस कंटेनर में डालता हूँ, और हम लोग फिर निकलते हैं इधर से। और तू ना बहुत ज्यादा मार खाएगा मेरे से, अभी बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा बहुत डरा भी देते हैं, ठीक है ना बैनी, अब देख रहे हो यार पूरा डरा हुआ है ये। फाइनली गाइस इस टाइम पर दोनों गाड़ियां हमने इस कंटेनर के अंदर पैक कर दी हैं, और जो बैनी है उसको भी हमने कंटेनर के अंदर ही डाल दिया, वो भाग बिल्कुल भी नहीं पाएगा। पहले हमने उसको चैलेंजर में बिठाया, बाद में चैलेंजर को लॉक करा, और फिर कंटेनर को बाहर से पूरा ही लॉक कर दिया है। और फिलहाल तो हम लोग पूरे रेडी हैं यहां से निकलने के लिए, और जो रेस है वो बहुत ज़्यादा जबरदस्त होने वाली है। तो जल्दी से ना इस टाइम पर हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को भगाते हैं, और मेरे को लग रहा है ना हम लोग पहुंच जाएंगे 20 या 25 मिनट की दूरी पर, वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो तो गाड़ियां अपने पास ना तब वो आइलैंड पर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, अपने को बोट वगैरह करनी पड़ती तो दिक्कत हो जाती है। अब जल्दी से ना हम लोग अपने चॉपर को भगाते हैं, चलते हैं सीधा उसी रेसिंग ट्रैक पर। फाइनली गाइस इस टाइम पर हम लोग ना अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के उस बहुत ज़्यादा बड़े वाले आइलैंड पर पहुंच चुके हैं जो लॉस सैंटोस से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे था, और हम लोग आए हैं हेलीकॉप्टर से आधे घंटे में तो पहुंच ही गए हैं। और जो रेस है वो सामने की तरफ आपको ट्रैक तो नजर आ ही गया होगा, और फिलहाल तो इस टाइम पर मैं अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड करवा लेता हूँ, और बस परफेक्ट लैंडिंग हो जाए
और वो जाना भाई मेरे को नीचे नहीं जाना। और हाँ यार फाइनली इस टाइम पर ना हेलीकॉप्टर ने पूरी परफेक्ट लैंडिंग तो कर दी है। और अब हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी चेस्ट को अपनी नहीं है जो एक उस बंदे की है, और वैसे उसकी मेहनत से उसने अपने पैसे कमाए और फिर उसने पैनी से चेस्ट को खरीदे, तो भाई उसी की चेस्ट को है ये। अब जल्दी से इसमें से लॉक खोलो भाई फ्रैंकलिन, और हम लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के निकलते हैं इधर। फाइनली गाइस पैनी ने तो अपनी गाड़ी निकाल लिया और मैंने भी कंटेनर से अपनी गाड़ी को तो निकाल लिया है, और यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वगैरह मार करके मेरे को दिखा रहा है। तो बस मैंने बोल दिया कि तू आगे आके चल, कहाँ पर अपने को जाना है वहाँ रेस ट्रैक तक तू लेकर के चल, और ये कह रहा है कि बस इसी जंगल से हमें जाना होगा और आगे की तरफ वो जो रेस ट्रैक है हम लोग पहुँच जाएंगे। और देख रहे हो गाइस पत्ते कितने ज़्यादा बड़े हैं, अपने को ये जंगल पूरा पार करके आगे की साइड जाना होगा। तो सही है यार, अब जल्दी से हम लोग इसके पीछे रहने वाले हैं, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो वेपन तो तुम्हारा भाई लेकर के आया, फ्रैंकलिन के पास भी वेपन है, तो बहुत ज़्यादा बुरा सीन हो जाएगा यहाँ पर अगर फाइट हो भी गई है तो, क्योंकि क्या पता चलता है पैनी यहाँ पर कोई अपने साथ ही स्कैम कर दें। और लेकिन डरपोक है भाई बच्चा, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा ये अभी। फाइनली गाइस इस टाइम पर बैनी एंड मैं अपनी गाड़ी को लेकर के रेस ट्रैक पर तो पहुंच गए हैं, और बैनी भी ले आएगा अपनी गाड़ी को, और ये बैनी कह रहा है कि आगे की साइड जाकर के पूरी फिनिश लाइन होगी और वहां पर अपने को अपनी रेस स्टार्ट करनी होगी। तो सामने की तरफ आपको बैनर तो नजर आ ही गया होगा, स्टार्ट लिखा है और फिनिश लिखा हुआ है। तो ये सीधा पासा कौन सा, उल्टा वाला पासा, ओ ठीक है भाई ये साइड पूरी सीधी है, और अपने को गाइस यहाँ से रेस करनी होगी। और एक काम करते हैं, वैसे जेस्को कुछ ज़्यादा तेज है तो बराबर ही अपने को खड़ाना पड़ेगा, तो एक बार ना बैनी से पूरी बात करते हैं और उतर बे जल्दी से गाड़ी से उतर जा, नहीं तो अभी लात ऐसी बजाऊंगा ना। हाँ ठीक है, ये देख रहे हो उतर तो चुका है और डरा हुआ भाई बहुत ज़्यादा, और ये कह रहा है कि ठीक है अगर मैं हारा तो तुम मुझे मार सकते हो। तो कोई चलाकी नहीं होगी, कोई भी वेपन्स की भी नहीं होगी, कुछ भी ऐसा सीन नहीं होगा। ये पूरा जो एक ट्रैक है फिलहाल तो अभी खाली है, तो देखते हैं गाइस यहाँ पर जो भी जीतेगा वो बचेगा, जो हारेगा वो ख़त्म हो जाएगा। और मैंने बैनी को बोल दिया कि तू बस यार खुद ही आगे की तरफ जब जाएगा मैं तेरा पीछा करूँगा। चलो यार इस टाइम पर बैनी को मैंने पूरा बोल दिया कि जब भी तेरा मैंने कह रहा उस टाइम पर हम लोग रेस को स्टार्ट कर लेंगे, और ये बर्न आउट मार करके अपनी गाड़ी को पूरा चार्ज कर रहा है। तो ठीक है यार जब भी बैनी जाएगा हम लोग इसको पीछे पीछे जाएंगे इसको हराने के लिए, और ये गाड़ी को पीछे चला गया लेकर के। ठीक है भाई इस टाइम पर इसने हॉर्न मार दिया, मतलब रेस हो चुकी है पूरी स्टार्ट, और यहाँ पर तुम्हारे भाई ने पूरी रेस ही दे दी है। थोड़ा सा मैं बेकार काम कर चुका हूँ, उसकी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, वो आगे जा चुका है, और मेरे को ना गाइस थोड़ा बहुत आराम से यहाँ पर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा कट वाला एरिया है, तो यहाँ पर ना उसकी गाड़ी नहीं चल सकती मेरे को लग ही रहा था। और क्योंकि ना यहाँ पर ड्रिफ्ट वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉपर ड्रिफ्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रैक ही ऐसा है। लेकिन वो भी गाइस ड्रिफ्ट मार रहा है, तुम्हारा भाई भी यहाँ पर अपनी चैलेंजर लेकर के ड्रिफ्ट मार रहा है, और ये वाला रास्ता कैसा आ गया है। नहीं 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 अरे नहीं यार यहाँ पर बेकार काम हो जाता, लेकिन जैसे तैसे मैंने कंट्रोल तो कर लिया है, और बैनी को जीतने बिल्कुल भी नहीं देना मैंने, और क्या ही टक्कर खा रहा बैनी। उसकी गाड़ी ना ट्रैक के मुकाबले कुछ ज़्यादा स्पीड वाली है, तो वो ना ड्रिफ्ट कुछ ज़्यादा कर जाएगी, तो एडवांटेज इस टाइम पर तुम्हारे भाई को है। अब जल्दी से हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी को भगाते हैं, और थोड़ा सा ना अपने को ब्रेकिंग पे भी ध्यान देना होगा, और ब्रेक मार के हम लोग चलेंगे। लेकिन अरे नहीं भाई यार बाउंड्री तो होनी चाहिए ना, और बैनी कहाँ गया, वो तो पीछे गया, पता नहीं भाई बैनी का। अगर मैं हारा तो बैनी पक्का मेरे को मार देगा, मैं जीतूंगा तो मैं उसको नहीं मारूंगा, आपको भी पता ही है। चलो गाइस अभी भी मैं ना लीड में हूँ बैनी से, बैनी मेरे पीछे है, और भाई नहीं यार बैनी इस टाइम पर आगे जा चुका है, और ये जो ट्रैक है बहुत ज़्यादा रिस्क वाला ट्रैक है, और अपने को ना इस टाइम पर दो लैप जीतने होंगे, जो दो लैप जीतेगा वो ये रेस जीत जाएगा। तो मैं तो ना बिल्कुल भी हारने नहीं वाला, बैनी को चाहे टक्कर क्यों ना मारनी पड़े। और इधर से तुम्हारा भाई, ओ भाई नहीं एक लैप खत्म होने वाला है, और जब भी तुम्हारा भाई आगे निकलने लगा था बैनी ने इतनी ज़्यादा जल्दी से टक्कर मार दिया है, और वो भी आपके सामने है, और एक लैप का ही सब खत्म हो चुका है, तो ये लास्ट लैप है। ओ भाई उसकी गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में चल निकल इधर से अपनी जेस्को को लेकर के, और हाँ ये जेस्को अपनी नहीं है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और यहाँ से अपनी, अरे नहीं मैं ड्रिफ्ट मारने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं भाई क्या दिक्कत हो रही है, ये ट्रैक की दिक्कत है, क्योंकि आप देख रहे हो ट्रैक कितना ज़्यादा खराब हुआ पड़ा है, और ड्रिफ्ट मारनी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसमें। लेकिन जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने एक ड्रिफ्ट तो मार दिया पूरी परफेक्ट, और यहाँ से भी अब भगाते अपनी गाड़ी को, और जिसका डर था यहाँ पर वो हो चुका है। अरे नहीं वो जीत जाएगा ऐसे तो, और इसको भी ना गाइस तुम्हारा भाई बिल्कुल भी नहीं जीतने देगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और इस टाइम पर मैं फर्स्ट नंबर पे चल रहा हूँ बैनी के मुकाबले, भाई क्या ड्रिफ्ट मारी है मैंने, और बस यार अपने को अपनी गाड़ी को बिल्कुल ऐसे ही भगाते रहना होगा, तभी हम लोग इस रेस को जीत सकते हैं।
बस प्रॉपर ड्रिफ्ट नहीं यार, प्रॉपर ड्रिफ्ट लगती नहीं है मेरे को ना, सीखना पड़ेगा प्रॉपर ड्रिफ्ट कैसे मारे। लेकिन फिलहाल तो अभी मेरे को ये वाली रेस जीतनी पड़ेगी, और मैं नहीं भाई पूरा डरा हुआ होगा। और मैं पहुंच चुका हूं सीधा फिनिश लाइन के, बहुत ज्यादा क्लोज देख रहे हो फिनिश लाइन के, तो मैं बहुत ज्यादा ही क्लोज हूं। और बैनी भी अपनी गाड़ी लेकर के मेरे पीछे ही है जस्ट, और अपने को बस यार ये बहुत ज्यादा टक्कर मारने की ट्राई कर रहा है, लेकिन नहीं इसने इस टाइम पर टक्कर मार दिया है। और भाई ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं खराब सीन कर रहा है, और मेरे को ना यार इसको इग्नोर मारना है, इसकी टक्कर के चक्कर में मैं ना रह जाऊँ पीछे। और फिनिश लाइन के हम लोग तो बस क्लोज ही है, और यहाँ से अपनी गाड़ी को मैं भगाता हूँ, लेकिन नहीं 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 शुक्र करो मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं गिरा, और मेरे को यहाँ से भगाना होगा। और बैनी भाई, ओ भाई नहीं, इसने वापस से टक्कर मार दिया, लेकिन भाई बच गया, अभी मैं इसको कुचल देता गाड़ी के नीचे। और इस टाइम पर ये गिर तो चुका है, लेकिन देख रहे हो अब तो ये नहीं बिल्कुल भी जीत ही नहीं सकता। और एक काम करते हैं बैनी, चल इधर से, और मरा नहीं है भाई, दिक्कत की कोई भी बात नहीं, इसकी गाड़ी मैं साथ में ही ना आगे की तरफ धक्का मार करके ले जाऊं। और एक काम करते हैं, इसकी गाड़ी को ना धक्का मार कर ही ले जाता हूं मैं, और थोड़ा बहुत और आगे ले जाते हैं। ओ भाई बैनी चीटिंग की पूरी ट्राई कर रहा है, और देख रहे हो भाई वो पीछे से भागता हुआ आ रहा है, और उसकी गाड़ी उससे बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। मैं काम कर लेता हूँ इसको ना ऐसे करके ना थोड़ा बहुत टक्कर मारते आगे तरफ ही ले जाते हैं, और अब तो ना बैनी बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और जैसे तैसे मेरे को ना अब जल्दी से ये रेस को फिनिश कर लेना चाहिए। और देखो गाइस ये रही फिनिश लाइन, और थोड़ा बहुत बैनी का वेट कर लेते हैं, यार बेचारा वो पूरा घबरा चुका होगा। आ जा भाई बैनी आ जा, और ये क्या कर रहा भाई, मेरे को लगा उल्टा भाग रहा, लेकिन इस टाइम पर तुम्हारा भाई ये रेस जीत चुका है। नहीं वो चिढ़ चुका है, उसने टक्कर मारी है मेरी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली, और अब तो तू हार चुका है रेस। नहीं यार ये भाग रहा है इधर से, यार ये हेलीकॉप्टर लेकर के ना भाग जाए वो दिक्कत हो जाएगी, कहीं मैं यहीं पर लटका रह जाऊंगा। और मेरे को ना एक काम करना पड़ेगा, जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर के ना इसका पीछा करता हूँ, रेस मैं जीत चुका हूँ। लेकिन ये कहाँ गायब हो गया भाई, ये कहाँ गया यार, अभी तक तो यहीं था, बिल्कुल भी दिखाई पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। और ट्रैक के पास गया होगा तो यहीं पर मेरे को नजर आ जाता, दिख गया भाई फाइनली वो रहा बैनी आगे की तरफ, उसकी गाड़ी मेरे को नजर आ चुकी है, और मैं भी ना उसका पीछा करता करता बिल्कुल पहुंच चुका हूं उस तक। पहले तो मैं नॉर्मल खेल रहा था, फाइनली बैनी तो मेरे को नजर आ गया है, ये न जाने पता नहीं कौन से वाले माउंटेन के रास्ते पर जा रहा है। और इसको ना मैं कह रहा हूँ कि रुक रुक जाओ भाई, नहीं नहीं भाई क्या सीन हो गया था यहाँ पर, बहुत ज्यादा बेकार हो गया था। बैनी ने तो अपनी गाड़ी को निकाल लिया, लेकिन मैं वहां पर फंस गया था, अब बैनी भी वहां पर फंस चुका है, उसको ना एक जोरदार में टक्कर मार, चल निकल इधर से, रुक जा अब तो हार चुका है, कोई भी फायदा नहीं है, अब बैठ जा चुपचाप। अब क्योंकि ना ये हार चुका है गाइस, अब इसको पता है कि ये मरने वाला है, वो इसको लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल भी ना नहीं मारने वाले। अब रुक जा, वहां का नहाने जा रहा है क्या पानी के अंदर, रुक जा भाई मैं सही में बोल रहा हूँ, अभी मैं ना बहुत ज्यादा गंदे वाला पीट दूंगा रख करके, रुक जा अब चुपचाप, गिर चुका है ना अभी रुक जा। यार ये रुकने पे ही नहीं आ रहा है ना जाने क्यों, मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं तेरे को अभी खत्म कर दूंगा, अभी रुक जा, आधे घंटे बाद तो तेरे को करना ही है, और अभी भी मैं तेरे को कर सकता हूँ। और फ्रैंकलिन को पता है कि हम लोग तो इससे नाटक कर रहे हैं, तो वो अपने गाड़ी में आराम से बैठा हुआ है, और ये फ्रैंकलिन के पास जा रहा है, वो भी बेटा तेरे को नहीं बचाएगा, नहीं नहीं। अब भाई ये क्या कर दिया इसने, मेरे को गाड़ी के नीचे गिरा करके मेरी गाड़ी लेकर के भाग गया है, फ्रैंकलिन बैठा है साथ में, उसको लग रहा है कि फ्रैंकलिन उसी के साथ है। यार वो इतनी ज्यादा जल्दबाजी में ना फैसले कर रहा है, फ्रैंकलिन को लेकर के भाग गया जैसे फ्रैंकलिन उसका साथ दे ही देगा। और आगे की तरफ मेरी चैलेंजर खड़ी हुई है, और मैं उसके जैस को लेकर के पहुंच गया हूँ सीधा इस लोकेशन पर, और देख रहे गाइस फ्रैंकलिन ने उसको गाड़ी से लात मार के बाहर निकाल दिया है। मेरे को पता था फ्रैंकलिन ऐसे ही कुछ करने वाला है, और ये ना भाई पूरा डर चुका है इस टाइम पर, अब इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए इसको। और इसको बोलते हैं कि ठीक है इस टाइम पर मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, और नहीं तो बहुत ज्यादा गंदा तेरे को बजा देता मैं। चलो गाइस यार इस टाइम पर हमने ना बैनी को अपनी गाड़ी में तो बिठा लिया, मतलब वो बैठा है फ्रैंकलिन के साथ, और हाँ बैनी को मैंने बोल दिया कि अभी मैं तेरे को कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, तेरे को लॉस सैंटोस जाते ही मैं खत्म कर दूंगा। और बैनी कह रहा है कि यार मेरे बाद मेरी वाइफ को कौन देखेगा, तो मैंने बोला वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो स्कैम ही कर ले हमारे साथ। और अब ना हम लोग अपने गाड़ियों को लेकर के हेलीकॉप्टर के क्लोज हैं, और वो रहा अपना हेलीकॉप्टर, तो जल्दी से ना हम लोग भी चलते हैं उसके पास, और अपनी गाड़ियों को लेकर के चलते हैं कंटेनर में, और लॉस सैंटोस पहुंचते ही मैंने बोला कि मैं तेरे को ख़त्म ही कर डालूंगा, अब जल्दी से लेकर के चलते हैं इनको अंदर। फाइनली गाइस इस टाइम पर हमने कंटेनर के अंदर बैनी एंड दोनों गाड़ियों को तो डाल दिया है, अब हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के लॉस सैंटोस के लिए। और बाकी मेरा कुछ और ही प्लान है जो जेस्को है, मैं सोच रहा हूँ कि ना अभी वो गाड़ी मैं फ्रैंकलिन को चलाने के लिए दे दूँ, तभी उसको समझ आएगा बैनी को कि उसने कुछ गलती करती है, क्योंकि अगर हम लोग उसको डायरेक्ट ऐसे छोड़ देंगे, छोड़ने तो वैसे भी वाले, अगर हम लोग छोड़ देंगे तो वो समझेगा नहीं, वो सोचेगा कि ये तो मेरे से डर गए शायद इन्होंने, तब मेरे को छोड़ दिया है।
और हम लोग थोड़ा बहुत भी उसको गाड़ी नहीं देंगे तो वो खुद ही समझ जाएगा। तो भगाते हैं इस टाइम पर अपने हेलीकॉप्टर को, चलते हैं लॉस एंजेलिस के लिए। फाइनली गाइस इस टाइम पर हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के पहुंच चुके हैं सीधा एयरपोर्ट पर, जहां से हमने अपने हेलीकॉप्टर को उठाया था। और मेरे को ना यहाँ पर पूरी परफेक्ट लैंडिंग करनी होगी तो जा करके सही होगा। और यहाँ पर अरे नहीं 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 बस आराम से हमने अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर ला करके तो पार्क कर दिया है। और बस यार मेरे को उतरना होगा, कहीं ये उलट पलट ही जाए, हो जाएगा ना पार्क। हाँ देख रहे हो भाई, तुम्हारे भाई की कितनी ज़्यादा परफेक्ट लैंडिंग है, पूरा परफेक्ट ही उतर गया नीचे आकर के। अब जल्दी से अपनी गाड़ियों को निकालते हैं, चलते हैं इधर से। फाइनली गाइस इस टाइम पर हम दोनों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाली हैं कंटेनर से। और ये जो चॉपर है, लेस्टर फोन कर देगा, वो बोल देगा कि ठीक है तेरा चॉपर वहाँ पर आ गया, तो उसको लेकर के जा सकता है। और फिलहाल तो इस टाइम पर ना हमने बैनी को लात मार के गाड़ी से निकालना है। बैनी बैठा सामने फ्रैंकलिन के साथ, और जब भी मैं हॉर्न मारूंगा उस टाइम पर फ्रैंकलिन उसको गाड़ी से फेंक देगा। तो ठीक है इस टाइम पर मैं हॉर्न मार देता हूँ और बैनी को वो फेंक देगा लात मार करके गाड़ी से बाहर। और देख रहे हो गाड़ी उसने स्लो कर लिया है, स्पीड में भी हम लोग उसको नहीं फेंक सकते क्योंकि चोट लग सकती है उसको। और देख रहे हो गाइस उसको इसने लात मार करके बाहर ही गिरा दिया है, और वो बेचारा पूरा बेहोश नहीं हुआ है, वो अब उठ जाएगा। ठीक है उसको पता तो चले कि उसने हमारे साथ स्कैम करा था जेस्को का, और वापस से तुम्हारे भाई ने उसे जेस्को ले लिया, लेकिन ये हमारी नहीं है, हम लोग इसको वापस लौटा देंगे। अब भगाते हैं इस टाइम पर अपनी गाड़ी। देखो गाइस इस टाइम पर हम लोग लेस्टर के घर तो जा रहे थे, लेकिन मेरे को ना अभी अभी लेस्टर का कॉल आ गया रास्ते में, और वो मेरे को बोल रहा है कि ना गस्टापो के बंदे, और गस्टापो खुद आगे की तरफ ही खड़ा हुआ है। और जो उसने हमें एक लोकेशन बोली है, हम लोग बिल्कुल अपनी गाड़ियों को लेकर के वहां पर पहुंच गए हैं, और यही टाइम है उसको जाकर के खत्म करने। और सीधा ना हम लोग जा करके ना उसको साइलेंट तरीके से खत्म कर देंगे। और बाकी लोकेशन तो बिल्कुल लेस्टर ने अपने को यही बताई थी जिस लोकेशन से हम लोग आ रहे थे। और भाई 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 मेरे को कुछ गाड़ियां दिख रही हैं गस्टापो शहर से, उनमें होगा कहीं पे, और कुछ बंदे नजर आ रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना मैं यहाँ पर कर देता हूँ पार्क, और एक ही स्नाइपर में उनकी गेम बजा दूं। तो ठीक है फ्रैंकलिन आ जा भाई जल्दी से। और देख रहे हो गाइस ये रहा वो गस्टापो। ठीक है यार अब जल्दी से ना 1 2 3 भाई क्या ही सीन है यार, मैं उसको मारने लगा था लेकिन उसी टाइम पर वो निकल गया। और अगर मैंने अब चलाया तो शॉट मिस भी हो सकता है, तो एक काम करता हूँ इसको मारते हैं पहले। एक सिक्योरिटी वाले को मार दिया, और इसको भी तुम्हारे भाई ने मार दिया है। और बंदे तो दो थे, इतने सारे कहाँ से निकलते आ रहे हैं। और इसको तुम्हारे भाई ने हेड बजा दिया, इसको बजा दिया है, और यहाँ पर भी हेड बजा दिया। चल निकल इधर से। और देख रहे हो गाइस बंदे अभी तक दो थे लेकिन बहुत ज़्यादा बंदे आ रहे हैं। और जो गस्टापो है उसको शायद से किसी ने बोल दिया होगा कि जहाँ भी खड़ा है तो भाग ले उधर से। और यार दिक्कत हो गई है, और मैं ना उसको ढूंढ करके ख़त्म करने वाला हूँ, उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर हम लोग नीचे की साइड तो पहुँच गए, लेकिन एक बंदा निकल इधर से यहाँ पर आ गया था। फाइनली गाइस इस टाइम पर मैं अपने चैलेंजर को लेकर के पहुँच तो चुका हूँ नीचे की साइड, लेकिन बंदे बहुत ज़्यादा फ्रैंकलिन घुस गया जेस्को को लेकर के। और यहाँ पर ना मेरे को जल्दी से इनको ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गाड़ी पर कम से कम डैमेज हो। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी गाड़ी को ना पार्क कर सकते हैं। और आओ यार गस्टापो अब तक तो ना अपने एरिया से भाग गया होगा, और चलना निकल इधर से। यूजी गन से ना पूरा इनको बजा देने वाला हूँ मैं, और कवर लेना पड़ेगा। और हम लोग ना जेस्को को शील्ड की तरह यूज़ करने वाले हैं। और चल निकल इधर से, देख रहे भाई बंदे कितने ज़्यादा आ रहे हैं इधर। और M416 भी निकाल लिया तुम्हारे भाई ने, कब काम आएगी। किस टाइम पर ही हम लोग अब M416 को चलाने वाले हैं। यार अच्छी खासी मीटिंग थी यहाँ पर, पता नहीं भाई क्या सीन हो गया मीटिंग में हमने। अरे नहीं ये क्या हो गया भाई, उसका ही बंदा था क्या ये कोई, इसने अपने को गिरा दिया है। और फ्रैंकलिन थोड़ी मदद कर भाई मेरे को उठाने में जल्दी से। तो फाइनली गाइस इस टाइम पर फ्रैंकलिन ने मेरे को उठा तो दिया। और यहाँ पर देख रहे हो यार वो गाड़ी वाला, ये इनमें भी एक बंदे हो सकते हैं शायद से इसके। और यहाँ पर कितनी भी सिक्योरिटी थी ख़त्म कर दिया है। और अब तो यार वो जो गस्टापो भाग गया होगा शायद से, मैं उसको बस शूट करने लगा ही था और अचानक से वो भाग ही गया। सब कुछ आपके सामने ही था, मैं तो उसको ख़त्म कर देता बस अभी। और एक बंदा कोई भागा हुआ जा रहा था ना आगे की तरफ, ये रहा वो। तो ठीक है इसको भी तुम्हारे भाई ने ख़त्म कर दिया। गाइस यार इस टाइम पर बंदे बहुत ज़्यादा आने शुरू हो चुके हैं सामने से, और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए। और फ्रैंकलिन तेरे पास कोई आइडिया है क्या, क्योंकि आगे से ना पूरी सेना आ रही है। और ठीक है फ्रैंकलिन इस गाड़ी के अंदर बैठ गया, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर गन लगी हुई है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ भाई, मैं भी इस गाड़ी के अंदर बैठ करके ना ये जो गन है इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो चलो सही है यार, इस टाइम पर जितने भी बंदे हैं हम लोग ना उनको बचा देने वाले हैं, और किसी भी बंदे को नहीं छोड़ने वाले। कितने ज़्यादा बंदे भाई, कितनी ज़्यादा खतरनाक सिक्योरिटी है इसकी। और मेरे को लग रहा है ना पक्का यहाँ पर कोई तगड़ी मीटिंग होने वाली थी लॉस सैंटोस में, जिसको हमने आकर के बेकार कर दिया है। और इनके ही व्हीकल से हम लोग इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
देख लो गाइस कितना ज्यादा खतरनाक वाला सीन यहाँ पर हो गया है। अब जितने भी बंदे हैं जल्दी से ना इनको खत्म करता हूँ। ये राइट, चलो निकलो इधर से। और गोली जो है जो बहुत ज्यादा पावरफुल बुलेट्स निकल रही है इसमें से। जितनी भी गाड़ियां हैं यहाँ पर आग लग चुकी है हर एक गाड़ी में। और ये एक गाड़ी को भी ब्लास्ट कर देते हैं, निकल इधर से। और तुम्हारे भाई ने इसको भी ब्लास्ट कर दिया है। और ये शॉप हवा में ही घूमती जा रही है भाई, क्या गंदी वो भी शॉप ब्लास्ट हो गई है। और बंदे हैं क्या कोई? लेकिन इस टाइम पर फिलहाल तो मेरे को सामने की तरफ से बंदे नजर आ रहे हैं। और आओ बेटा, किसी को भी नहीं मैं छोड़ने वाला। और यहाँ पर भी बंदे हैं, ठीक है यार, इनको भी तुम्हारे भाई ने खत्म कर दिया है। ये ना मशीन गन लगी हुई है इसके ऊपर, वो बंदूक खुद ही ट्रैक कर ले रही है। और अपना काम है बस मशीन को इधर उधर घुमाना, मतलब जो कि मशीन गन है उसको इधर उधर घुमाना। और ये ना सब बंदे को चुटकियों में खत्म ही कर दे रही है। देखो गाइस, अभी तक तो सब कुछ यहाँ पर सही था, लेकिन फ्रैंकलिन और मैंने मिलकर के यहाँ चुटकियों में इन व्हीकल की मदद से क्या खतरनाक वाला सीन कर दिया है। और अब सही है भाई, और वो तो भाई कहाँ ही जंप करा करके गाड़ी को जा चुका है। लेकिन इन गस्टावो मिस हो गया अपने हाथ से। और तू पुलिस को बताएगा पक्का, तेरे को मैं जान ही नहीं देने वाला। और यहाँ पर इसको ब्लास्ट कर दिया है। लेकिन यार पुलिस आ चुकी है सामने से, और अपनी जेस्को, अपनी नहीं है जो, मतलब एक जेस्को खड़ी है, अपनी चैलेंजर खड़ी है। तो एक काम कर सकते हैं भाई, फ्रैंकलिन तो इधर आकर के फाइट कर ले, वहाँ पर वो अपनी गाड़ी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ पर ना जितनी भी गाड़ियाँ इनको पहले मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। लेकिन पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, चॉपर भी आ सकते हैं, और बेकार सीन हो सकता है। और चल निकल इधर से, इसको ना जल्दी से ना ख़त्म करते हैं। तू जाना भाई ब्लास्ट, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। तो चल छोड़ो, इसको जल्दी से ना हम लोग ब्लास्ट कर देते हैं। कर दिया भाई तुम्हारे भाई ने इस गाड़ी को भी ब्लास्ट, और इस वाली गाड़ी को भी हम लोग कर देते हैं ब्लास्ट, इसको भी हमने कर दिया है। लेकिन अब मेरे को काम करना पड़ेगा जेस्को, एंड अपनी उसको लेकर के भागना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम कर फ्रैंकलिन भाई, इसको भूलना पड़ेगा फ्रैंकलिन, एक काम कर भाग ले भाई इधर से। गाड़ियों को मैं सोच रहा हूँ कि अभी लेकर के चलते हैं, बाद में तो क्या लेकर के चलेंगे। ठीक है, अपने व्हीकल से मैं उतर तो चुका हूँ, और फ्रैंकलिन बैठा है जेस्को में, मैं बैठा हूँ चैलेंजर में। और आओ बेटा, अब तो अपना व्हीकल अपने हाथ में, तो डरने की क्या ही बात है। चलो यहाँ पर, ओ भाई धमाका अब होगा ना बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला, इतने ज़्यादा खतरनाक धमाके हो रहे हैं। आ जा भाई फ्रैंकलिन, मैं पूरे रास्ते को क्लियर कर रहा हूँ, तू बस अपनी गाड़ी को लेकर के आगे की तरफ आता रहा। और यहाँ पर मेरी गाड़ी इतनी ज़्यादा स्लो क्यों हो रही है? अब जल्दी से मेरे को भगाना पड़ेगा गाड़ी। हाँ भाई अब ठीक है, अब स्पीड पकड़ ली है इसने। और ये मेरे साथ है कि इनके साथ है, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा है। जल्दी से चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर के इधर से, और तू चल इधर से, फट जा इधर। फाइनली गाइस, इस टाइम पर जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा पीछे की साइड है, और जो बंदे हैं इनको मैं पहले ख़त्म कर देता हूँ। और फ्रैंकलिन जस्ट मेरे पीछे है जेस्को को लेकर के। और यहाँ पर जो नॉर्मल व्हीकल है ना, ये लोग बिना पूरा बेकार कर देते हैं दिमाग को। तो चलो ना फटो इधर से, तीन तीन गाड़ियाँ आ रही हैं, रोक कोई भी अपने को नहीं पा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर ना अब अपनी चैलेंजर को पूरी स्पीड में तुम्हारा भाई भगाने वाला है। लेकिन फ्रैंकलिन पीछे की तरफ फंस चुका है शायद से मुसीबत में। आ जा फ्रैंकलिन, जल्दी से आगे की तरफ निकल, अब मैं ना ये सब कुछ ब्लास्ट कर रहा हूँ। तो चलो फटो इधर से, ठीक है भाई, यहाँ पर हमने गाड़ियाँ भी कर दी हैं ब्लास्ट। और वैसे दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, अपने दोनों के पास ये तगड़ी रेसिंग वाली गाड़ी है, तो हम लोग बस इससे एक काम कर सकते हैं, कुछ सीक्रेट सी जगह पर चलते हैं जहाँ टनल मिल जाए अपने को, वहाँ हम लोग जा करके बस सकते हैं। जैसे तैसे हम लोग पुलिस से एस्केप होकर के ना गाइस इस वेस्पुची बीच पर आ गए थे। और फ्रैंकलिन सामने की तरफ है, मैं यहाँ पर हूँ, और जो पूरी पुलिस है ना गाइस वो हमें पागलों की तरह ढूंढ रही है। आगे की तरफ जितनी भी पुलिस है उसने ये एरिया को पूरा कवर कर रखा है, और पीछे की साइड जितनी भी पुलिस है उसने दूसरे वाले एरिया को कवर कर रखा है। और अपने को ना बस मौका देख करके यहाँ से भागना होगा, और अगर हम लोग यहाँ पर पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो गाइस यार, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जा करके जरूर से लाइक कर देना। अब देखते हैं अपना क्या होगा, हम लोग यहाँ से बच करके भाग भी पाएंगे कि नहीं भाग पाएंगे, वो तो बाद में पता चलेगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।